आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है नॉलेज मंत्रा के एकदम फ्रेश एंड एक्सक्लूसिव एपिसोड में। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वो देश के तीनों सशस्त्र बलों यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि राष्ट्रपति को कौन सी सुविधाएं मिलती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं हमारे फैक्ट नंबर वन में। 2017 तक राष्ट्रपति को सिर्फ 1,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था, जो वरिष्ठ नौकरशाह के वेतन से भी काफी कम था। 2017 में इसे बढ़ाकर 5,00,000 रुपए प्रति महीने किया गया। वेतन के अलावा राष्ट्रपति को अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जिनमें मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधा शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार हर साल उनके अन्य खर्च जैसे आवास, स्टाफ, खाने पीने और अतिथियों की मेजबानी पर करीब 2,25,00,000 रुपए खर्च करती है। भारत के राष्ट्रपति को रहने के लिए जो राष्ट्रपति भवन है उसमें 350 से ज्यादा कमरे हैं। भारत का राष्ट्रपति भवन विश्व का सबसे बड़ा सरकारी आवास है। भव्य और बेहद बड़ा ये भवन ब्रिटिश वायसराय के लिए बनाया गया था। राष्ट्रपति भवन 4 मंजिला है और इसमें 350 से ज्यादा कमरे मौजूद है। इस भवन के निर्माण में 70 करोड़ ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल, मार्बल हॉल, म्यूजियम, नॉर्थ ड्राइंग रूम, अशोक हॉल, बैंक्वेट हॉल और येलो ड्राइंग रूम, एक टेनिस कोर्ट, एक पोलो ग्राउंड, एक क्रिकेट का मैदान और एक संग्रहालय मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में लोहे का इस्तेमाल न के बराबर हुआ है। राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए 2 गैलरीज का भी निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति भवन के पीछे एक मुगल गार्डन भी है, जो कि ब्रिटिश और मुगल काल की शैली में बनाया गया है। 13 एकड़ में फैले इस गार्डन में फूलों की देसी विदेशी ज्यादातर किस्म मौजूद है। इसे फरवरी मार्च में आम नागरिकों के लिए खोला जाता है। उन्हें हर महीने 5,00,000 रुपए सैलरी मिलती है। इस रकम पर टैक्स भी नहीं लगता। उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा और आवास भी मिलते हैं। राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी हर महीने 30,000 रुपए सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के तौर पर दिए जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको हर महीने 1,05,000 रुपए पेंशन मिलता है। राष्ट्रपति के जीवन साथी को हर महीने 30,000 रुपए सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के तौर पर मिलते हैं। एक फर्निश्ड रेंट, फ्री बंगला, 2 फ्री लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन भी रिटायरमेंट के बाद मिलता है। साथ ही स्टाफ खर्च के लिए 60,000 रुपए भी मिलते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को रेल या विमान से यात्रा भी फ्री होती है, जिसमें वे एक आदमी को भी साथ ले जा सकते हैं।